कल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक आदेश आया जिसमें कहा गया कि 30 सितंबर 2023 के बाद दो हज़ार रुपये का जो नोट है वो चलन में नहीं रहेगा और लोगों से कहा गया है कि वो बैंकों में जमा करवा दें हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री जिन्होंने एसपी पी एस सिंह बघेल जिन्होंने कल स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला है सर दो हज़ार में नोटबंदी की गई थी अब क्यों जरूरत पड़ी और विपक्ष तो आप लोगों पर हमलावर है कि सरकार पिछली गलती अपनी ठीक कर रही है थोड़ा अध्ययन करना चाहिए विपक्ष को ये नोट बंदी नहीं है ये नोट बदली है दूसरी बार दूसरी बात है कि 2000 का नोट सितंबर तक चलन में रहेगा तो साँच को आँच नहीं होनी चाहिए जिन लोगों के पास अपना लीगल पैसा है अपनी मेहनत की कमाई का है और जिसका वो हिसाब किताब दे सकते हैं जिसका इनकम टैक्स वाले अपना ब्यौरा देते ही हैं और जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं गरीब लोग हैं उन पर इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बहुत लोगों ने तो 2000 का नोट देखा ही नहीं है मनरेगा के जो 11 करोड़ मजदूर हैं उनको 2000 से मतलब नहीं है 80 करोड़ लोग जो 5 किलो गेहूं और चावल इस देश में निशुल्क ले रहे हैं बीस हज़ार का शौचालय के लिए लाइन लगाए हुए हैं विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन ही उनको हज़ार रुपये महीने मिल रही है किसान सम्मान निधि ग्यारह करोड़ लोगों को दो दो की तीन किस्तें आ रही हैं आ, तो वहाँ दो हज़ार का नोट नहीं आता वो बैंक में जाता है अब तो जो करेंसी वो लेना चाहे वहाँ से ले सकते हैं इसलिए आम आदमी पर जरा भी फ़र्क नहीं पड़े पड़ेगा फ़र्क पड़ेगा टेररिज्म जो इस्पॉन्सर्ड कर रहे हैं उन पर फ़र्क़ पड़ेगा का। काला धन के पास है उन पर फ़र्क पड़ेगा और नंबर दो की इकनॉमी जो उनके घरों में उन पर फ़र्क पड़ेगा और जो डंपिंग कर लेते हैं बड़े नोटों की उन पर फ़र्क पड़ेगा आम जन का ये जन की सरकार है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये नोट बदली है ये एक फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक है नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने कहा कि पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी उससे आम लोगों को तकलीफ हुई एम सेक्टर को बहुत उससे नुकसान हुआ तो क्या सरकार अपनी पुरानी गलती को ठीक कर रही है ये उससे नुकसान नहीं हुआ था बल्कि बहुत लोग खुश हुए थे मैंने बताया ना कि जरा भारत के बारे में थोड़ी एक राय बनाइएगा कि लुटियन जोन भारत नहीं है जी के भारत नहीं है सीपी भारत अकेला नहीं है भारत का अंग है मैंने बताया ना कि जब 80 करोड़ लोग रिपीट करना पड़ता है बार बार जो गेहूँ चावल निःशुल्क ले रहे हैं और ओबलाइज भी महसूस कर रहे हैं नौ करोड़ लोगों के घर में सिलेंडर नहीं था पैंतालीस करोड़ असली बात तो यह है कि पैंतालीस करोड़ लोगों ने मोदी जी की सरकार से पहले तक बैंक की शक्ल नहीं देखी थी तो वो क्या जमा करते जब उन पर कुछ नहीं था तो अब देखिए एक तिहाई जनसंख्या तो है जिसको बैंकिंग से ही मतलब नहीं होता और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल करेंसी डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा जो मोदी जी का सपना है मैं मोदी जी के इस कदम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ऐसा करके उन्होंने आतंकवाद को जो फाइनेंस कर रहे हैं उस पर कड़ा प्रहार किया है जो लोग ब्लैक मनी जिनके हाथ तो हुई उस पर प्रहार किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला युग जो है हर चीज़ डिजिटल का है तो हो सकता है एक दिन पेपरलेस करेंसी हो उस दिशा में भी एक बड़ा कदम आम लोगों को तकलीफ नहीं होगी ये आश्वस्त करेंगे आम लोग तो बड़े खुश हैं बल्कि कि उनके पास ये नोट है ही नहीं है तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं अथवा आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन पर यह प्रहार है आम आदमी पर नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया तो आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उन पर यह प्रहार नहीं है बल्कि जो काला धन है भ्रष्टाचार है उस पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत एबीपी न्यूज़ दिल्ली